माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं। हाईस्कूल परीक्षा में इस वर्ष 58.1% नियमित परीक्षार्थी तथा 13.26% स्वाध्यायी परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे हैं। 54.35% नियमित छात्र एवं 61.88% नियमित छात्राएं परीक्षा में सफल हुई हैं। 8,21,086 नियमित परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। इनमें 3,05,067 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 1,69,863 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में और 2,145 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार कुल 4,77,075 परीक्षार्थी परीक्षा फल में सफल हुए हैं, जिनका परीक्षा फल 58.10% रहा है। 1,391 परीक्षार्थियों ने पूरक की प्राप्तता प्राप्त की है। इस साल भी पिछले साल के अनुसार हाईस्कूल परीक्षा में दो विषयों में पास परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। इस वर्ष नियमित परीक्षार्थियों में छात्राओं ने छात्रों से बाजी मारी है। उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षा फल 54.35% तथा उत्तीर्ण छात्राओं का परीक्षा फल 61.88% रहा है। मंडल की इस साल हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में सम्मिलित मानसिक विकलांग, नेत्रहीन एवं मूक बधिर छात्रों के परीक्षा फल भी घोषित किए गए हैं। इस श्रेणी में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 41.69% तथा छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 37.86% रहा है। इस प्रकार इस श्रेणी के 40.29% परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा को संपन्न कराने के लिए इस साल नियमित और स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश में कुल 3,868 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में इस वर्ष नियमित परीक्षार्थियों के रूप में 8,21,086 परीक्षार्थी तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के रूप में 1,50,413 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में 65 नकल प्रकरण बने, जो पिछले सालों की तुलना में सबसे कम थे। 10वीं कक्षा में नैनपुर मंडल की अनुष्का अग्रवाल ने टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 495 अंक प्राप्त किए हैं। 12वीं में शाजापुर काला पीपल के जयंत यादव ने टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 487 अंक प्राप्त किए हैं। हायर सेकेंडरी में 64.4% बच्चे पास हुए हैं, जबकि हाई स्कूल में 58% बच्चे पास हुए हैं। आपको बता दें कि हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की परीक्षा में इस साल 64.49% नियमित परीक्षार्थी तथा 22.46% स्वाध्यायी परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे हैं। 60.55% नियमित छात्र तथा 68.43% नियमित छात्राएं परीक्षा में सफल हुई हैं, जिनकी संकायवार अस्थायी प्रावीण्य सूची जारी की गई है। प्रावीण्य सूची में कला, जो मानविकी संकाय 24 परीक्षार्थी, विज्ञान गणित संकाय में 45 परीक्षार्थी, विज्ञान जीव विज्ञान संकाय में 29 परीक्षार्थी, वाणिज्य संकाय में 23 परीक्षार्थी, कृषि संकाय में 8 परीक्षार्थी, ललित कला और गृह विज्ञान को मिलाकर 3 परीक्षार्थियों द्वारा प्रदेश स्तर की अस्थायी प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। 6,23,341 नियमित परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 2,92,799 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 1,09,268 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में, 422 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार कुल 4,02,489 परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनका परीक्षा फल 64.49 रहा है। 88,369 नियमित परीक्षार्थियों ने पूरक की प्राप्तता प्राप्त की है। इस वर्ष नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश में कुल 3,638 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में इस वर्ष नियमित परीक्षार्थियों के रूप में 6,24,140 परीक्षार्थी तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के रूप में 1,11,416 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में 134 नकल प्रकरण बने, जो पिछले साल की तुलना में सबसे कम थे। मंडल की साल 2024 हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में सम्मिलित नेत्रहीन एवं मूक बधिर छात्रों के परीक्षा फल भी मंडल द्वारा घोषित किए गए। इस श्रेणी में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 51.01 रहा है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 53.54 रहा है।
इस प्रकार इस श्रेणी के 51.95% परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।